हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट और एलडीसी पदों पर सरकारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। तो ये जो यहाँ पर भर्ती निकली है, एक तो एलडीसी पद पर है, एक लैब असिस्टेंट पद पर है, और भी अन्य पद हैं, लेकिन जो मुख्य पद है यहाँ पर वो एलडीसी और लैब असिस्टेंट, इसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस यूनिवर्सिटी में भर्ती निकली है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही जो है कंप्लीट जानकारी दूंगा, योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म की फीस क्या लगेगी, एग्जाम कब तक हो सकती है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहां पर ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एलडीसी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर और जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपके यहां पर भर्ती निकली हुई है, यानी उदयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, जिसके अंदर यहां पर भर्ती आ रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर एलडीसी, लैब असिस्टेंट और भी अन्य पदों पर भर्ती है, लेकिन जो मुख्य पद है यही है। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, जिसमें योग्यता की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है अगर आप राजस्थान में एलडीसी बनते हैं तो कम से कम आप जो है 12वीं पास यहां पर होने चाहिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, साथ में आपके पास में कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री है, तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे आपने ओ लेवल का कोर्स कर रखा है, पीजीडीसी कर रखा है, या आपने आरएससीआईटी भी कर रखा है जो आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो महाराणा प्रताप जो विश्वविद्यालय है उदयपुर के अंदर, इसके अंदर एलडीसी की योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं पास है, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, साथ में आपने आरएससीआईटी कर रखा है, आरएससीआईटी आपने कर रखा है, तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आयु सीमा की यहां पर हम बात करें तो मिनिमम जो है आपके 18 यहां पर आयु सीमा रखी गई है। यहां पर जो है आपके फॉर्म 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और इसके अलावा जो है 14 मार्च तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। वापस ही बता देता हूं, 9 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 14 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की अगर फी की बात करें तो एलडीसी की जनरल की जो फीस है, ये आपके 1000 रुपए है, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर अदर कैटेगरी की, जैसे एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, तो आपके 500 रुपीस फॉर्म यहां पर लगने वाले हैं। तो मैं और जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ऐसी वैकेंसी निकलती है जो थोड़ी कम पोस्ट के लिए होती है, ऐसे नहीं कि 2000-3000 पदों पर भर्ती निकलेगी तभी आप तैयारी करेंगे, तभी आप प्रिपरेशन करेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि 50 पदों पर भर्ती निकली है, 30 पदों पर निकली है, 100 पदों पर निकली है, इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, फॉर्म लगाते ही नहीं है। उनको लगता है यार हम तो वैसे ही अभी तैयारी कर रहे हैं, इतने पदों पर कैसे नंबर आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फॉर्म ही नहीं लगाते हैं, संख्या बहुत कम रह जाती है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी रहता है, फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, ये फॉर्म की फीस रहती है। ये दूसरा कारण है कि आप लोग फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि आधों का दिमाग तो वैसे खराब हो जाता है, यार तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है और फॉर्म की फीस भी ज़्यादा है, तो 50% लोग तो फॉर्म लगाते ही नहीं है। इसमें फॉर्म वही लगाएंगे जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी है, या जिनको 100% किसी भी वजह से जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में यहाँ पर सरकारी नौकरी चाहिए, वही फॉर्म लगाएगा। तो आप लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वो 10,000-15,000 का क्यों इंतजार करते हैं? आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर एलडीसी, इसके अलावा आपके लैब असिस्टेंट, इसके अलावा और भी कुछ पदों जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इन पदों पर भी भर्ती निकली हुई है, तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म की फीस यहां पर जो है जनरल की 1000 है, एससी एसटी की 500 रुपए है। पोस्ट की बात करें तो यहां पर जो आपके एलडीसी के पोस्ट है, एलडीसी के यहां पर 21 पद है। कितने पद है? 21 पद है। अब आप बोलोगे सर 21 पद के लिए आप इतनी जानकारी दे रहे हैं, भैया ये 21 पद आपको तो सिर्फ एक चाहिए, ये 21 लोग ऐसे तो है नहीं कोई बाहर से आएंगे, ये आपके राजस्थान के 21 कैंडिडेट होंगे जिनका यहां पर सिलेक्शन होगा और आपकी एग्जाम होगी, जिस प्रकार से आपका एलडीसी में होता है उसी प्रकार से आपका लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी, उसका सिलेबस और पैटर्न वही रहेगा जो राजस्थान की जो एलडीसी भर्ती है उसका पैटर्न रहता है, वही आपके राजस्थान जीके आएगा, वही आपके हिंदी इंग्लिश आएगा, वही आपके जो है साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, वो सेम ही पैटर्न आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट भी आपका रहेगा, यानी दो चरणों में यहाँ पर आपकी जो एग्जाम उसका आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगे। तो ये तो बात है यहाँ पर एलडीसी भर्ती की। तो भैया जब सिलेबस सेम
है, एलिजिबिलिटी सेम है, एज लिमिट भी लगभग सेम ही है, सब कुछ सेम है, तो फॉर्म क्यों नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, ठीक है ना। सभी को फॉर्म लगाना है, इसकी तैयारी भी आपको करनी है। अब हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए लगातार कॉमेंट आते हैं, सर हम जो है 2 नंबर से रह गए थे, 3 नंबर से रह गए थे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती है LDC में 2022 में जो संपन्न हुई थी, अगर आप उसमें 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं या आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए तो अभी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है इसके अंदर यहां पर LDC इसके साथ साथ जो है लैब असिस्टेंट के पद खाली हैं। योग्यता की बात करें, अगर आपने साइंस के अंदर जो है 12वीं पास कर रखा है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपने जो है 12वीं पास कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में अगर आपके पास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो साइंस में आपके मैथ साइंस वाले पूरा PCM वाले आगे, CBZ वाले आगे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी आपके पास में है तो भी आप फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो वही मिनिमम 18 है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 40 तो रहती है, ठीक है ना। फॉर्म डेट की अगर हम बात करें सेम ही है, फॉर्म डेट भी 9 यहां पर जो है आपके 9 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 9 फरवरी से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म की लास्ट डेट भी आने वाली है, ठीक है ना। 10 मार्च हो चुका है, 4 दिन और बच रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म की फी की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जनरल की जो फीस है ये आपके 1200 रुपए है ना, जनरल की फीस आपके 1200 रुपए है। और अगर हम SC ST की बात करें, तो यहां पर जो है आपके 600 रुपए फॉर्म की फीस यहां पर लगने वाली है। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी ठीक है, मतलब 24 पोस्ट है यहां पर। कितनी पोस्ट है? 24 पोस्ट आपके लैब असिस्टेंट की होने वाली है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहां पर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया 24 पद है, यानी 24 कैंडिडेट यहां पर सरकारी नौकरी पाएंगे। ये एक सरकारी नौकरी है, तो कभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए, कोई यूनिवर्सिटी का आ गया हो, इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट का आ गया है जिसमें 4 पद हैं 5 पद हैं, तो उसमें हम लोग फॉर्म ही नहीं लगाते हैं। हम तो वही बड़ी भर्ती समझते हैं जो सरकार निकालती है, जिसका पेपर आउट होता है, हमारे लिए वही बड़ी भर्ती है। भाई ये भी भर्तियां हैं, इनमें कोई ऐसा कोई जुगाड़ नहीं होता कि ऊपर से कोई आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया या कोई सेटिंगबाजी हो गई, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें प्रॉपर आपका एग्जाम रहेगा। लैब असिस्टेंट की प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहां पर जो है आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, जिस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट के लिए एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय भी आपका एक सिंगल एग्जाम, एक सिंगल पेपर आपका यहां पर कंडक्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। तो लैब असिस्टेंट में क्या पूछा था, वही एग्रीकल्चर के सवाल आएंगे, बायोलॉजी के सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के सवाल आएंगे, फिजिक्स के सवाल आएंगे, वही पैटर्न आपका रहने वाला है। तो कुल मिला के बात है, ये वो भर्ती है छुपरस्तम भर्ती से हम कह सकते हैं, कि जो किसी को पता नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, फॉर्म अभी ज्यादा भरे नहीं गए, यूट्यूब पर भी देखोगे तो 1-2 वीडियो मिलेगी जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाले उन्होंने बना रखी है, बाकी किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। तो सब लोग 10,000 15,000 20,000 को टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों भाई? हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। जो सिलेक्शन पाने वाला होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, वो यहाँ पर 2 पोस्ट पर 3 पोस्ट पर भी सिलेक्शन पा लेता है, और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपका ड्रीम है कि सरकारी नौकरी मुझे पाना है, मुझे LDC बनना है, मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, तो आप लोग वो 10,000 15,000 का इंतजार मत करो, वो तो आएंगी तब आ जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर 21 पद आपके यहाँ पर LDC में है, 24 पद आपके यहाँ पर लैब असिस्टेंट में है, और अच्छी मतलब सरकारी नौकरी है, सैलरी भी आपको वही मिलेगी। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लैब असिस्टेंट हैं तो यहां पर जो है आपको लेवल 8, यहां पर जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी, और अगर आप LDC बनते हैं तो यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल 5 की आपको यहां पर जो है सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भी आपको वही मिलेगी जो आपको राजस्थान सरकार देती है। यूनिवर्सिटी में जो यहां पर प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, या आपके लाइब्रेरियन होते हैं, या आपके जो यहां पर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, क्या इनको सरकार नहीं लगाती? इनको सैलरी नहीं मिलती है, इनको वही सैलरी मिलती है, बस यहां पर डिपार्टमेंटली भर्ती हो रही है, यानी स्पेशल यूनिवर्सिटी अपने विभाग की यहां पर भर्ती निकाल रही है, क्योंकि यहां पर पद खाली है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को फॉर्म लगाना है, फॉर्म की लास्ट डेट 14 यहां पर मार्च होने वाली है। फॉर्म की फी मैंने बता दी, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन यार सफलता पाने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट, फॉर्म लगाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए।